सारी कहानियां भूल जाओ। हीर रांझा रोमियो जूलियट सोनी महिवाल कुछ नहीं लगती से एक शख्स के सामने जिसका नाम है इंद्रजीत इमरोज। अगर तुम्हें प्यार से प्यार है ना तो इमरोज आज से तुम्हारे रोल मॉडल बन चुके हैं, वादा करता हूँ। इंद्रजीत इमरोज पेशे से एक पेंटर थे। अमृता अपनी किताब आखिरी खत के लिए कवर डिजाइन करवाना चाहती थी, इसलिए उनकी मुलाकात हो गई इमरोज से। दोनों दिल्ली में रहते थे। ईस्ट पटेल नगर में अमृता रहती थी और वेस्ट पटेल नगर में इमरोज रहते थे। अमृता तब जॉब किया करती थी ऑल इंडिया रेडियो में। हर कभी अमृता अपने घर के बाहर बस का वेट करते हुए खड़ी रहती, इमरोजे बैठे बैठे हर दिन देखते, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। 6 महीने तक इमरोज ने एक एक रुपया जोड़कर एक स्कूटर ले लिया ताकि वो अमृता को ऑल इंडिया रेडियो छोड़ने जा सके। और इसी बहाने यू नो इमरोज बताते हैं कि जब वो स्कूटर के पीछे बैठी होती थी तो वो अपनी उंगलियों से मेरी पीठ के ऊपर कुछ लिखा करती थी। पता है वो क्या लिखती थी? वो अपनी उंगलियों से इमरोज की पीठ पर साहिर लिखा करती थी। लेकिन अमृता ने साफ साफ कह दिया था कि देखो प्यार तो मैं साहिर से करती। इमरोज को अमृता की इसी बेबाकी से मोहब्बत हो गई कि अमृता प्रीतम ने मरने से पहले एक आखिरी कविता जो लिखी थी वो भी इमरोज के लिए लिखी थी कि मैं तैनू फिर मिलांगी।